मेरी तरफ से राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। मैं जनक भौजी जंतर मंत्र से और आज है हमारे साथ नायब सूबेदार रमेश जी। रमेश जी राम राम। मैं नायब सूबेदार रमेश चंद जंतर मंत्र से बोलता हूँ। सबसे पहले मैं सभी पूर्व भाई सैनिकों का शुक्रगुजार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का मेरा उद्देश्य कहने का यही है कि हम लोगों का जो धरना चल रहा है, आज 304 दिन हो गए हैं और मैं हर सैनिक पूर्व सैनिक से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके बोलता हूँ कि भाई साहब आप लोग जो नहीं आ रहे हैं धरने पर, कम से कम जिसके जो दिल्ली के नजदीक रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंत्र पर आना चाहिए। और हमारा आंदोलन जो है अभी 1 जनवरी 2024 को रेल रोको आंदोलन है, वो पूरे देश में होगा। 11 जगह हम रेलों को रोकेंगे और सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आकर के अपना धरने से संपर्क रखते रहें। जैसे कल हमारी एक टीम जो है वो हरियाणा से आई थी और उन्होंने भी यही कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये धरने को नहीं छोड़ेंगे। वो कैथल से आए थे और आज भी अभी हरियाणा से 4 फौजी आए हैं हमारे साथ हैं सभी। और ये भाई साहब जनक राज हरियाणा से बैठे हैं, विजय जी उत्तराखंड से बैठे हैं, ये भाई साहब यूपी से बैठे हैं। तो ये सभी की यही एक बात है कि आप लोग भी हमारी तरह जंतर मंतर पे ज्यादा से ज्यादा आए। इसके आगे मैं धन्यवाद सभी पूर्व सैनिक भाइयों को राम राम। देखिए 1 तारीख की बहुत बड़ी कॉल, तो मेरा सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि बारी से बारी संख्या में आकर अपने पूर्व सैनिकों का साथ दें, बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लें। 1 तारीख रोल रेको आंदोलन और काला दिवस दोनों मनाया जाएगा। तो मेरा निवेदन है सभी पूर्व सैनिक संस्थाओं से और उनसे जुड़े हुए बड़े बड़े बड़ी संस्थाओं से भी कि 1 तारीख रेल रोको आंदोलन सभी का जो आंदोलन है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं राजवीर सिंह। आप हमारे जो जनक सब जो ये चैनल चला रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ये अपने चैनल के द्वारा हमारी जो फौजियों की एक्स सर्विस मैनों की जो त्रुटियां हैं उनको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है हमको 30 दिन से भी ज्यादा हमको कितना हो गया हमको भी सर 304 दिन आज हमारे दिन हो रहे हैं। 304 दिन में सरकार के कानों पर जो तंग ले रंगी है, यहाँ तक कि हमने 1 लेख रेल रोको आंदोलन भी चलाया और उसको कामयाब भी हुआ किया। अभी हमारा जो अगला कदम है फिर रेल रोको आंदोलन की तरफ जा रहा है और 25 तारीख को शायद हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं रेल रोको अभियान में भाग लेंगे और जगह जगह स्थानों पे रेल को रोका जाएगा। दोस्तों हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं कि हमारी जो MSP है उसको जो है बढ़ाया जाए, इक्वल किया जाए और हमारी जो विडो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। हमारी जो MNS को जो MSP दे दी गई है हमारी, उसको या तो हमारे बराबर किया जाए या हमें उनके बराबर किया जाए। और 3 जजों के पास हमारी जो इस समस्या को जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके पास दे दिया जाए जो कि हमारी इस त्रुटि को निकाल करके सरकार के सामने दूध का दूध और पानी की पानी रख सके। जय हिंद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ जो भूतपूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं, इसी के साथ मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।